हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे यूट्यूब चैनल आस्ती मंत्रा में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक पर मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा इंट्रो बताया था। आज मैं आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि विद्युत अपघट्य इसके बारे में आपको आगे समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल आसी मंत्रा को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू नए नए वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूं। जैसा कि आपको पता ही है, हमारे प्रधानमंत्री महोदय मुख्यमंत्री महोदय ने आपसे निवेदन किया हुआ है कि आप सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। COVID-19 जो कि एक महामारी के रूप में जाना जा रहा है, तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और डेली हाथ धोए, हर आधे घंटे पर हाथ धोए, लगातार कंटिन्यूसली हाथ धोते रहें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, आपको आप अपने टॉपिक पर ले जाते हैं जो कि है इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट से पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन में ही इंक्लूडेड है। तो मैंने जैसा पहले टॉपिक आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन, तो इसके बारे में और ज्यादा समझने के लिए और मेरा पिछला वीडियो देखें। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा और कुछ चीजें और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्पेशली मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मैं एक आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ शेल का। शेल एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो दैट मीन इस तरह की दोस्तों जो भी डिवाइसेज हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, वही हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखिए। आज दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स या वैद्युत अपघट्य हमारे एक ऐसे पदार्थ है या सब्सटेंस है जो कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं या स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब भी आप इन्हें किसी भी वाटर में या करंट फ्लो करेंगे, देन ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, क्या करने पर? या तो वाटर में डालने पर या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर, वो हमारे क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। जैसे दोस्तों वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ऐसे सब्सटेंस हो गए जो वाटर में मिलाने पर या करंट फ्लो करने पर अपने आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम NaCl। NaCl जैसा दोस्तों आप जानते हो, घर में आप डेली यूज करते हैं खाना वगैरह के लिए आप नमक यूज करते हैं, वही NaCl है। मैं आपके सामने ये NaCl का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये नमक है दोस्तों जो आप घर में खाते हैं, इसका फॉर्मूला ही NaCl होता है, सेम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये एक इलेक्ट्रोलाइट ही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसे पानी में मिलाएंगे तो पानी में मिलाने पर ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। कौन से आयंस में? Na+ आयंस में और Cl- नेगेटिव आयंस में। Na+ आयंस को कहेंगे हम सोडियम आयन और इसको कहेंगे हम क्लोराइड आयन। इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि NaCl है, जैसे ही हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया है, वाटर में डिजोल्व करने पर ये Na+ आयन और Cl- आयन में ब्रेक हो गया। तो इस तरह से दोस्तों NaCl हमारा एक एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स का। इसी तरह से दोस्तों आप और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एसिड जो होगा, कोई भी एसिड्स की ये फीचर है या करेक्टर्स है, जब भी आप उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे डालेंगे तो वो अपने पॉजिटिव आइंस में और नेगेटिव आइंस में ब्रेक हो जाता है। तो इस तरह से ये दोस्तों किसका हो गया? वैद्युत अपघट्य का ही एग्जांपल हो गया। इस तरह से आप कोई बेस ले लीजिए, कोई भी बेस है, जस्ट लाइक हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इससे पहले हमने जो एसिड लिया था HCl, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों कोई भी एसिड हो, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो ये H+ साइंस में Cl- साइंस में ब्रेक हुआ है। ऐसे दोस्तों हमने एक बेस ले लिया है NaOH, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं दोस्तों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों ये एक बेस है और इसको भी जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपने पॉजिटिव आइंस में और नेगेटिव आइंस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा बेस है NaOH, ये भी एक एग्जांपल किसका हो गया? इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल हो गया। तो दोस्तों ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल हो गया। इस तरह से दोस्तों कोई भी सॉल्ट हो, कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, वो सभी इस तरह के फीचर्स रखते हैं, प्रॉपर्टीज रखते हैं कि वो अपने आइंस में ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए? इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स।